प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगभग थमती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर मंद हुई है और उम्मीद है कि आगामी दिनों में प्रतिबंधों में अधिक ढील देने के बावजूद भी मामलों में कमी जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी कोविड प्रतिबंधों को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। भारत में इस महीने दूसरी बार 24 घंटे में 2 लाख से कम केसेस मिले हैं। देश में 44 दिन बाद कोरोना संक्रमण के इतने कम नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 186,364 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 2,75,00,000 के करीब पहुंच गई है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 3,660 लोगों ने दम तोड़ा है, तो वहीं 2,59,459 लोग रिकवर भी हुए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 21,273 नए मामले सामने आए, जबकि 425 मरीजों की मौत भी हुई। बिहार और झारखंड की बात करें तो गुरुवार को बिहार में कोरोना संक्रमण के 2,568 नए मामले सामने आए, जिसमें 98 और मरीजों की मौत हो गई। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कोरोना का प्रकोप काफी कम हो गया है। झारखंड में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 977 नए मामले सामने आए और 19 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को घर के पास ही कोरोना का वैक्सीन लगाया जाएगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को घर घर जाकर कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सरकार की नई गाइडलाइंस में घर के नजदीक टीका लगाने का अवसर उन्हें भी दिया गया है जो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है। उनकी आयु 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। बता दें कि देश भर में अब तक 20 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें पहली और दूसरी दोनों डोज शामिल है। इसके साथ ही पूरे देश में ब्लैक फंगस के मामलों में भी तेजी आई है। इसी बीच पटना में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पटना में ब्लैक फंगस के कुछ ऐसे मरीज मिले हैं जो कोरोना संक्रमित तो थे, मगर ना तो ऑक्सीजन लगी ना ही स्टेरॉयड दवाएं खाई, फिर भी ब्लैक फंगस का संक्रमण हो गया। डॉक्टरों की माने तो ये मानना कि ब्लैक फंगस उन्हीं को हो रहा है जो ऑक्सीजन पर रहे हैं, या स्टेरॉयड की दवाएं चली है भूल होगी। कोरोना संक्रमण के साथ ही ये बीमारी हो रही है, खासकर कोरोना के नए वेरिएंट में ब्लैक फंगस का डर ज्यादा है। हालांकि डॉक्टरों का ये भी कहना है कि कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनमें लंबे समय तक मरीजों को स्टेरॉयड दी जाती है। मरीज साल दो साल स्टेरॉयड खाते हैं मगर ब्लैक फंगस नहीं होता है। ICU में एक महीने तक मरीज रह जाते हैं, उनमें भी ये बीमारी नहीं दिखती है। इस अपडेट में इतना ही। इस तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।